Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are good and मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी पहली वाली एक्सरसाइजेस बिल्कुल ईमानदारी के साथ की होंगी और आप उनकी जो मैंने लास्ट आपको वीडियो सेंड की है एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 की, गाइज आपने उसकी मस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आगे की एक्सरसाइजेज हमें हमारी अभी आने वाली हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, अगर आप पिछली एक्सरसाइजेज की अपनी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आपके लिए आगे वाली एक्सरसाइजेज का तो मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि उस उन एक्सरसाइजेज में आपका कोई भी जो है प्रीवियस एक्सरसाइज से लिंक नहीं है। आपका जो भी है सारा लिंक इसी के साथ ही होगा आपके, क्योंकि पहले जो आपकी रो थी वो मिडिल वाली रो थी, ASDF और सेमी कोलम LKJ एंड HG एंड H, ये आपकी मिडिल वाली रो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभी मैं आपकी एक्सरसाइज मूव कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5 हम अब अप वाली रो करेंगे, जो इससे ऊपर वाली रो है, अप रो है, वो वाली हम करेंगे गाइस। उसमें आपका जो है AWER है और QWER एंड YT, और उसके साथ वाला है PO PUIO, और ये ऊपर वाली रो है आपकी, जो भी ऊपर वाले कीवर्ड्स हैं वो आपके हैं गाइस। मुझे तो सही तरीके से याद भी नहीं है कौन सा कीवर्ड कहाँ पर है, बस मेरी फिंगर्स को मुझे मेरी फिंगर्स को याद है कि जब मुझे नीड होती है कि ओ दबाना है तो वो फिंगर खुद ही, बस ये देखें अभी जैसे कि मैंने सिर्फ ओ का बोला तो ये फिंगर खुद ब खुद आ गई है उंगली पर मेरी, और आई दबाना होता है तो ये देखें ये वाली फिंगर है, और वाई दबाना हो तो वो खुद ब खुद ही फिंगर्स मेरी मुझे बता देती हैं कि भाई ये वाला आपने फिंगर्स अपनी मूव करनी है, ये वाली फिंगर्स मूव करनी है। वो इसलिए गाइस क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस को दिया है टाइम। आप अपनी प्रैक्टिस को टाइम देंगे तो तब जाके आपको कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो गाइस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 5, 6, 7, वो हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमने मिडिल वाली रो को बिल्कुल भी 9 दिन तक तो फिंगर हमने अपनी इसको टच भी नहीं करनी है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे एक्सरसाइज 9 में या एक्सरसाइज 8 में, तब हम जाके अपनी फिंगर्स थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से मिडिल वाली भी और अप वाली रो भी दोनों हम टच करेंगे। तो वहाँ तक आने के लिए ऐसा ना हो कि गाइस आप पीछे वाली फिंगर्स अपनी भूल जाएं और आगे वाली आपको याद रहें। तो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की होगी तो गाइस 9 दिन के बाद जब आप अपनी एक्सरसाइज नीचे वाली शो मिडिल रो जब आप अपनी शुरू करेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह गाइस आप अपनी प्रैक्टिस रखें, आप अपना थोड़ा सा टाइम इसको मैनेज करके दें तो उसमें आपका जो है टाइपिंग स्पीड अच्छे तरीके से मूव करती रहेगी। अगर आप अपना टाइम नहीं देंगे, आप लापरवाही करेंगे, आप ईमानदारी के साथ नहीं चलेंगे तो गाइज उसमें ना मुझे नुकसान होगा ना किसी और को होगा, आपको ही होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपने आप से अपने साथ चलते हैं, अपने आप का फ़ायदा सोच रहे हैं या अपना, जो भी आपके ऊपर है गाइज डिपेंड करता है। मेरा मशवरा तो यही है कि गाइज अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको स्पीड के लिए किसी इंस्टीट्यूट की नीड नहीं पड़ेगी, किसी जगह की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपनी फिंगर्स के ऊपर ही अपनी प्रैक्टिस रख सकते हैं। सो गाइस मैं आज आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसकी मैं आपसे एक जिस तरह पहले मैंने आपसे शेयर किए हैं एक्सरसाइजेस, उसी तरह नोट पैड पर टाइप करके मैं आपको आपकी आज की एक्सरसाइज नंबर 5 दूंगा। वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेनी है, लिखने के बाद आपने
वहाँ देख के कॉपी पे देख के लिखना है आपने गाइस, बुक में नहीं देखना आपने, सॉरी आपने कीबोर्ड पे नहीं देखना है, आपने स्क्रीन पे नहीं देखना है। अगर तो आप वहाँ देखेंगे तो गाइस उसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो मैं लोगों का भी करूं। तो गाइस अपने साथ ईमानदारी के साथ चलें ताकि उसमें आपका फ़ायदा हो नुकसान ना हो। थैंक यू गाइस, मैं आज की एक्सरसाइज आपको शेयर करता हूं स्क्रीनशॉट के ज़रिए, तो वो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और उसी के साथ और दूसरी बात यह है कि मैं आपको इस पे प्रैक्टिस भी करके, मतलब कि जो आपकी आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपने कौन से फिंगर किस तरह अपनी मैनेज करके रखनी है, किस कीवर्ड पर आएगी कौन से फिंगर, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेट्स मूव गाइस एंड थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस कम्प्लीटली डन कर ली हैं। ये वाली मिडिल रो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हमने अप रो शुरू करनी है। ओ यू आई पी यू पी ओ आई यू एंड टी आर ई डब्ल्यू क्यू, सॉरी टी नहीं है हमारा, टी एंड वाई अभी नहीं है हमारी। कल की जो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसमें हमारा आएगा, और अभी ये हमारी ये दो कीवर्ड्स नहीं है, पी ओ आई यू है, आर ई डब्ल्यू क्यू है। और मैं आपसे शेयर करता हूँ, देखें गाइस हम सेमी कॉलम इस फिंगर पर रखते थे, मिडिल बिल्कुल लिटिल फिंगर पर, एंड एल हमारा इस फिंगर पर होता था, के हमारा इस फिंगर पर होता था, एंड जे हमारा इस फिंगर पर होता था, एच भी हमारा इसी फिंगर पर था, और देन हम जी हमारा इस फिंगर पर था, एफ भी हमारा इसी फिंगर पे था, एंड डी हमारा इस फिंगर पे था, एस हमारा इस फिंगर पे था, और ए हमारा इस फिंगर पे था। एंड नाउ गाइस आपने फिंगर्स अपनी वहीं पर रखनी है जहाँ हम रखते थे, ठीक है। आपने सिर्फ जो कीवर्ड आपको नीड होगी, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डब्ल्यू ई आर क्यू, क्यू इस फिंगर पर आएगा, डब्ल्यू आपका इस फिंगर पर आएगा, ये लिटिल फिंगर के बराबर वाला, ई आपका उसके बराबर वाली फिंगर पर आएगा, एंड आर आपका इस फिंगर पर आएगा। इसी तरह तो गाइस इस तरह इस राइट हैंड पे आपका सेमी कॉलम से ऊपर इसी लिटिल फिंगर पर आपका आएगा पी, देन उसके बराबर वाली फिंगर पर आपका आएगा ओ, देन उसकी बराबर वाली पे आई, देन उसकी बराबर वाली पे यू, आर ई डब्ल्यू क्यू, ठीक है गाइस। आप मैं आपसे इसकी ये जो एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट वो मैं आपसे शेयर करूँगा। गाइस बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं चलेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। एंड